हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थानी फार्मेसी ओनली हेल्थ। ते तुहाडा सारेयां दा स्वागत है। ते अज आपां गल करांगे स्वर्ण मधु सिरप दे बारे विच, जेड़ा के एक ब्रेन बूस्टर टोनिक हुंदा आ ते आयुर्वेदिक मेडिसिन आ। सो सब तो पहला मैं तुहानू कहना चाहुंदी आ, जिन्हां ने हजे तक चैनल नू सबसक्राइब नहीं कीता आ, चैनल नू सबसक्राइब करो ते बैल आइकन नू भी प्रेस करो, ताकि जिहड़ियां भी आपां वीडियोज़ बनांदे आ ना भी नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुंच सके, ते तुहानू जिहड़ी भी वीडियोज़ दी मेडिसिन दी मतलब जानकारी दी लोड होवे ओह तुहाडे तक वीडियोज़ पहुंच सकन। सो अज आपां गल करांगे स्वर्ण मधु सिरप दे बारे विच। पहला तो तुहानू अनपैक करके दस दिंदे आ कि इह किहो जिहा हुंदा आ, किहो जिही दी मतलब कि बॉटल हुंदी आ ते किहो जिही दी पैकेजिंग आ। सो इह है जी साडे कोल बॉटल स्वर्ण मधु जिहड़ी पैकिंग कीती हुई है। सो इस तों बाद इहदे विच पैकिंग तों बाद इहदे नाल इक दित्ती हुंदी है जी स्लिप, जिवें मतलब इहदे विच सारा वैसे लिखिया होया आ कि किवें इहनूं यूज़ करना है, कि की इहदे ओह हुंदे ने, फायदे हुंदे ने जां कुछ भी है। सो सब तों पहलां तुहानूं दस्सदा जिहड़ा स्वर्ण मधु इक इह है, इह धनवंतरी फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई गई मेडिसन है, जिवें कि तुसीं इत्थे देख सकदे हो धनवंतरी फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई गई है। ये होर कितों नहीं, सिर्फ धनवंतरी फार्मास्यूटिकल द्वारा ही इहदी प्रोडक्शन है जिहड़ी ओह कीती जांदी आ। सो जिहड़ी इह साडे कोल पैकिंग आ इह हैगी है जी 180 ml दी पैकिंग आ साडे कोल, ते इहदा जिहड़ा प्राइज़ आ ओह 210 रुपये, 210 रुपीज़ आ इहदा जिहड़ा प्राइज़ है। सो तुहानू इह किसी भी मैडिकल स्टोर या किसी भी OPD तों मिल जांदी आ। सो सब तों पहलां हुण आपां गल करिए जिहड़े इहदे विच पाए गए ने इनग्रीडियंट्स। सो जिवें कि तुसीं देख सकदे हो इहदे विच बहुत सारे इनग्रीडियंट पाए गए ने। सो मैं तुहानू भी इहदे इनग्रीडियंट्स बारे दसांगी ते उहदे मतलब कि फायदे दसांगी कि उहनां दा की कम हुंदा आ। सो जिवें कि इहदे विच इक अश्वगंधा पाई गई आ, ओह जिवें की हुंदा आ, अश्वगंधा दा कम हुंदा जिवें इह तणाव ते कम करदी आ, जिवें दिमाग नूं शांत रखदी आ, जिवें स्ट्रैस हो जावे ब्रेन च, कोई भी अपने च कोई भी गल चल रही होवे स्ट्रैस हो जांदा उहदे करके, कोई मतलब कि दिमाग च कुछ ना कुछ स्ट्रैस चल रहा होवे उस नूं मतलब कि दिमाग नूं शांत रखण च कम करदी है, स्ट्रैस नूं घट करन च कम करदी है। जिहड़ी शतावरी हुंदी है, शतावरी इहदे विच पाई गई है, ओह इक ब्रेन टोनिक दे तौर ते कम करदी है, ब्रेन दीआं मसल्स लई बहुत रिलैक्सेबल जिहड़ा हुंदा है शतावरी। सो ब्रह्मी है जिहड़ा इहदे विच पाया गया है, इह वी जिहड़ी साडे मतलब कि शरीर हुंदा है ओहदे विच जिवें तनाव हो जांदा, थकावट हो जांदी है शरीर विच, ओहदे ओह मतलब घट करन विच जिहड़ा ब्रह्मी काम करदा है सुचारू रूप विच, जिहड़ा साडे शरीर विच जिहड़ा ब्लड सर्कूलेट करदा उहनूं प्रोपरली सर्कूलेट, रिलैक्सिंग तौर ते मांसपेशियां नूं चलन विच जिहड़ा ब्रह्मी है जिहड़ा ओह कम करदी है। संख पुष्पी है जिहड़ी ओह की करदी है, जिहड़ा मतलब संख पुष्पी हुंदी है इह वी इक ब्रेन टोनिक आ जिहड़ी ब्रेन दी मतलब कि स्ट्रैस नूं घटवांदी आ ते अच्छी तरह जिहड़ा मतलब ब्लड सर्कूलेट करदी आ ब्रेन विच, ते उहदे नाल की हुंदा ब्रेन शांत रहिंदा आ। बाकी इहदे विच होर भी कई पाए गए ने जिवें मूसली, मालकांगनी, अर्जुन शल अते कई होर भी मतलब कि कई जड़ी बूटियां पाईआं गईआं है। बाकी गल करिए कि इहदे की यूजेस ने, मेनली इहनूं किथे किथे यूज कीता जांदा है। जिवें कई वारी की हुंदा है कि आपां कोई काम करदे आं, जदों कोई काम करन लगदे आं तां सानूं वीकनेस फील हुंदी है साडी बॉडी विच, सानूं लगदा है कि बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हां, काम नहीं कीता जा रहा, अपने आप तों आपां मतलब अपनी बॉडी तों काफ़ी परेशान हो जांदे आं। सो उस केस विच इहनूं यूज़ कीता जांदा है, मतलब शरीरक कमजोरी लई यूज़ कीता जांदा है। कई वारी की हुंदा है कि कई सैक्स दे संबंधी प्रॉब्लम्स हुंदियां ने कई मतलब कि लोकां नूं, सो उस केस विच भी इह कम करदे क्योंकि प्रजनन अंग हुंदे ने जिहड़े साडे, उहनां लई मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उहनां दी मतलब मजबूत करदी है उहनां दीआं मांसपेशियां, उहनां दीआं नसां नूं, सो तां कि उह प्रोपरली वर्क कर सकण। बाकी जिवें की हुंदा है कई वारी आपां चलदे हां सानूं इकदम चक्कर आ जांदा है, जां कई वारी आपां बैठे हुंदे हां बैठ के उठण लगदे हां सानूं इकदम चक्कर आउंदा है ते अखां अगे अनेरा छा जांदा है, सो उस केस विच भी जिहड़ा की है जी इहनूं यूज़ कीता जांदा आ। बाकी अनिंद्रे दी प्रॉब्लम हुंदी है जिन्हां नूं इनसोमनिया कह लैंदे आ आपां, कई वारी उहनां नूं नींद नहीं आउंदी आ, दिमाग विच कुछ ना कुछ सारी रात चल रहा हुंदा है ते नींद पूरी नहीं हो पाउंदी आ, ते फिर दिन टाइम बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हुंदी आ। सो उस केस विच भी, अनिंद्रे दे केस विच भी जिहड़ा की है इहनूं यूज़ कीता जांदा है। बाकी जिवें हत्थां पैरां विच जलन होना,
कई बार की हुंदा है साडे हत्थां विच भी जलन होनी शुरू हो जांदी है, पैरां च भी, सानू समझ नहीं आंदा की हो रहा है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुंदी है। सो उस केस विच भी इहनूं यूज कीता जांदा है। बाकी ये जी जिवें मतलब के ये दिल लई भी बहुत वधिया है, हिरदे लई मतलब के जिवें दिल की धड़कन विच भी ये बहुत ज्यादा मतलब उहनूं ठीक ढंग नाल चलाउण लई काम करदा है, बीपी नूं मेनटेन करदा है। ते अगे गल करिए जिवें सिर दर्द, बहुत ज्यादा पुराना सिर दर्द हुंदा है जिवें मतलब कि बहुत ज्यादा, कई बार की होंगे कई लोगों माइग्रेन की प्रॉब्लम होंगी है, तो कई बार की होंगे कई होंगे कि बहुत ही पुराना सिर दर्द हों चलता आता है कि थोड़े दिन बाद सिर दर्द दुखना शुरू हो जाता है। सो इसलिए भी इनू यूज किया जाता है। एक होंगे कि खांसी नज़ला जोड़ा बहुत पुराना चलता आ रहा हों, कई बार वह खत्म ही नहीं हों, सू वार बार तंग करता है कि सो उस केस विच भी इनू यूज किया जाता। बाकी गुप्त रोग होंगे ने जिमें इसत्रियों के पुरुषों के गुप्त रोगों में भी इनू यूज किया जाता है। बाकी गल है जिमें कई बार की होंगे कई पुरुषों में नाइट फॉल होना शुरू हो जाता है, सीमन निकलना सडनली शुरू हो जाता है सुते सुते, कई बार कोई अचानक दिमाग चाहता, सो उस केस विच भी इनू यूज किया जाता है। बाकी ये कि कई बार की होंगे शरीर मतलब बहुत ही वीकनेस फील करता, शरीर थकिया फील करता है, सो शरीर नू मतलब के चतन करन लई, शरीर नू मतलब के एक्टिव करन लई जेड़ा ए है पौष्टिक, एदे विच सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हुंदे ने, ओदे लई भी नू यूज कीता जांदा है। बाकी गल करदे हां जी अगे हुण एदे डोज दी, के इनी डोज किन्नी लैनी चाहीदी है, किन्ना इनू मतलब के एक दिन विच आपां लै सकदे आ। सो जिवें के दो चम्मच आपां दिन विच इनू दो वार लै सकदे आ, दो या तीन वार आपां इहदे लै सकदे आ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚਮਚ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਓ, ਜਾਂ ਦੋ ਚਮਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਲਟ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਪੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਬੀਪੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਰਨ ਮਧੂ ਟੋਨਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਯੂਜਿਸ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੀਲੋਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ, ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਸਵਰਨ ਮਧੂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।